प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेडियन फिजिक्स बाय आसिफ मुश्ताक। फिर से आपका स्वागत है मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चैप्टर हमारा चल रहा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसी में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर के ऊपर। ठीक है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होती है आइंस्टाइन की थ्योरी, सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो है ये पहला, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके, पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है, फिर उसके बाद इसके जो है मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो भी हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करे हुए। आज का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग डालो जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग आपने डाली ली है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर बहुत पहले से चल रहा है और ख़त्म होगा ये दो वीडियोस के बाद। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम कई सारी फिनोमेना पढ़ चुके हैं। फोटोन के बारे में हमने पढ़ा है, मैटर वेव्स क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और आज भी पार्टिकल जो नेचर होता है लाइट का, उसी को डिफाइन करने के लिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, और वेव नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, वो वाले जितने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के पार्ट हैं वो लाइट को वेव बनाते हैं, और ये वाला जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ये लाइट को पार्टिकल बनाता है। फोटोन पार्टिकल था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसके अंदर कितना जो है मास है, कितना उसके पास मोमेंटम है, कितनी इसके पास एनर्जी है, हर चीज़ के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसी तरीके से अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले 19th सेंचुरी के अंदर, यानी 1800 से लेकर के 1900 के बीच में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन चलते रहे। उस टाइम पर जब शुरुआत में 19th सेंचुरी के शुरुआत में ये सब मालूम नहीं था, इलेक्ट्रॉन क्या होता, प्रोटॉन क्या होता, न्यूक्लियस क्या होता, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी किसी को मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चलते चले गए और सारी चीज़ों की डिस्कवरी होती चली गई। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी 1897 से पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, मतलब उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ मालूम था। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसमें रोल प्ले किया, जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की है ना, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसने ज़्यादा काम किया है, चैडविक ने काम किया है। ऐसे ही जो है जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जे जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट है ना, मिलिकन साइलड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया, ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं 1800 से 1900 के बीच में ही ये सारी चर्चाएं हुई। और उसी टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे निकलती हैं, किस तरीके से क्या होता है, पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो आप देखो, सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इमिशन को हमको समझना पड़ेगा, क्या है इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखो, जैसे कोई भी मेटल जो होती है, अगर मान लो ये एक मेटल का ब्लॉक है, तो इस मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, ये इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत लूजली बाउंड होते हैं किसी भी एटम के अंदर,
कोई भी एटम की अगर तुम बात करोगे तो एटम में न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है, एक अट्रैक्टिव पुल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और जैसे ही तुम इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बढ़ाते चले जाओगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर जो फोर्स होती है इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की, वो बहुत वीक होती है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा करोगे फोर्स उतनी ही वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे तो ये फोर्स घटती चली जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस न्यूक्लियस से ढीले होते चले जाएंगे, है ना। जैसे तुमको पढ़ने के लिए भेजा, तुम घर पे जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे माँ बाप से एकदम डरे हुए रहते हो कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ी मतलब मान लो पढ़ाई के लिए तुम बाहर चले गए, मान लो तुम शहर से 300-400 किलोमीटर दूर चले गए, तो थोड़ी ना तुम तो सोचो कि अब तो माँ बाप थोड़ी ना देख रहे हैं, अब कौन देख रहा है, अब कोई देखने वाला नहीं है, जितना मौज करना करो, पढ़ाई बाद में करी जाएगी आराम से, है ना। तो इसलिए ये बॉन्ड जो है वो कमज़ोर पड़ जाता। या मान लो तुम विदेश चले गए, दूसरे कंट्री चले गए, तो वहाँ तो और एकदम खुला माहौल मिलेगा तुमको, खुली एकदम आसमान है तुम्हारे सामने, जो चाहे करो, है ना। और तब फिर ऐसा भी हो सकता कि इतना तुम बदल जाओ कि घर वालों से बगावत कर डालो, ऐसा भी हो सकता। भी बहुत से लोग करते हैं बगावत, माँ बाप को छोड़ देते हैं अपने। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूजली मतलब फ्री हो जाता, बाहर आ जाता, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर होता है ये, तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये लूजली बाउंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये इतने भी फ्री नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतनी आसानी से यहां से बाहर आ जाएं, बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर चाहे कि इस मेटल से बाहर चला जाए, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन सोचे कि हम इधर से निकल जा रहे हैं, तो अगर ये निकलेगा तो ये वाला एटम फौरन ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा तो फिर से अट्रैक्शन पुल लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। जैसे ये सोडियम है मान लो ये, तो इस सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो फौरन ही इस सोडियम न्यूट्रल एटम के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज फौरन ही इसको खींच लेगा, कहां जा रहा है जल्दी वापस आ, तो ये फौरन इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर इस सरफेस से नहीं निकाल सकते, और इसकी वजह है ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, यानी इन दोनों के बीच में आने वाली फोर्सेस। क्योंकि यहां पर जैसे हम अगर बात करें तो एक एटम के अंदर, अगर मान लो कोई भी ये मेटल है, तो इस मेटल के अंदर अगर एक कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी से बंधा हो, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, इसके आसपास और भी एटम्स होंगे, यहाँ पर दूसरा एटम होगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में भी एक पुल लगता होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगती होगी। ऐसे ही एक दूसरा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में भी यहाँ पर अट्रैक्शन पुल लगता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्सेस बहुत सारी होती हैं जो इर्द गिर्द के एटम्स हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में तुम पढ़े होगे, कोई भी सॉलिड स्टेट में सॉलिड मटेरियल जब बनता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एटम्स होते हैं, पैकिंग होती है उनकी, बहुत टाइप की पैकिंग पढ़े होगे, कॉमन पढ़े होगे, BCC बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास एटम से घिरा हुआ है, तो इन एटम्स का अपना अपना अट्रैक्शन है, अपना अपना अट्रैक्शन, अपनी अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इसीलिए ये एटम से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी एटम से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो जनरली हम यहां पर कह सकते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ड्यू टू
अट्रैक्शन पुल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इस वजह से, यही वजह है जिसकी वजह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में से ऐसे फ्रीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं, चाहे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल पुल है, इस वजह से निकालना आसान नहीं है। नोट करो, जल्दी से नोट कर लो इतना। हो गया, ठीक। तो अब देखो, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, मान लो हमको निकालना ही है इसको बाहर, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है। हमको बाहर से इसको एनर्जी देना पड़ेगी, और इतनी एनर्जी देना पड़ेगी जो इस अट्रैक्शन, जो पुल है न्यूक्लियस का, इसको ओवरकम करे। जब इस पुल को ओवरकम करने के बराबर एनर्जी हम दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पर एक न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, तो आप एक न्यूटन की फोर्स दे दो, ये फोर्स है, ये वाली फोर्स कैंसिल हो जाएगी, और जैसे ही ये फोर्स कैंसिल होगी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, निकल आएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मे बी गिविन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, दिस एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसी को वर्क फंक्शन बोला जाता, ठीक है, यानी यही है वर्क फंक्शन। ऐसे समझो ये लगान है, लगान, लगान देना पड़ेगी, यानी इतनी एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इसको बोला जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख सकते हो यहां पर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इजेक्ट, टू ओवरकम अट्रैक्शन forces is work function, ठीक है, इसी को बोला जाता है work function, यही होता है work function, और work function को denote किया जाता है phi से, ठीक है, denoted by phi, ठीक है, इससे denote करते हैं, एक्चुअली फाई नॉट से करते हैं, ठीक है, फाई नॉट ये होता है हमारा वर्क फंक्शन, जिसको फाई नॉट से डिनोट किया जाता है, और ये बहुत कम एनर्जी होती है, बहुत कम, ठीक है, मतलब बहुत कम एनर्जी देकर के ये काम चल जाएगा, यानी ये एनर्जी फाई नॉट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इतनी होती है कुल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ये बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी की, विच इज कॉमनली यूज इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो है ये कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अगर कभी भी सवाल तुमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट। और इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मतलब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट के डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पर चलाएं, तो वो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा बस उसी एनर्जी को बोला जाता है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ठीक है, यानी वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। जैसे
किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मान लो एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक के अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को चलाया तो यहाँ से लेकर के इस बीच से लेकर के इस बीच में इस इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी, बस इसी काइनेटिक एनर्जी को जो है बोला जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, तो ये होता है वर्क फंक्शन। समझ में आ गई बात? यानी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर खींचना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तुम्हें एक वर्क फंक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे एक देश से दूसरे देश चीज़ें आयात निर्यात होती हैं तो उस देश का कस्टम चार्ज लगता है जो आपको देना ही पड़ेगा अगर बॉर्डर क्रॉस करना है, तभी वो चीज़ क्रॉस हो पाएगी वरना क्रॉस नहीं होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहाँ पर एक लगान देना पड़ेगी और यही लगान होती है वर्क फंक्शन। बहुत कम होती है ये लगान, ठीक है, आराम से दी जा सकती है फाई नॉट, ठीक है, जिसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखो किसी भी सरफेस की अगर, जब हम सरफेस की अगर बात करें तो जिस सरफेस से कम एनर्जी देने पे, यानी कम से कम वर्क फंक्शन जिसका होगा, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी जितना कम वर्क फंक्शन होगा उतना ही बेहतर इमिटर होगा, इमिटर यानी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, और जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा यानी जितनी लगान ज़्यादा होगी तो उतना ही बेकार इमिटर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम वर्क फंक्शन को कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है प्लेटिनम का, ठीक है, प्लेटिनम इसका होता है, और होता कितना है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिनिमम वर्क फंक्शन होता है सीजियम का। सीजियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का ही है ना, सोडियम पोटेशियम, हाँ ठीक है। तो ये सीजियम ये होता है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये होता, नोट करो जल्दी से। ठीक, तो मैक्सिमम होता है प्लेटिनम का और मिनिमम होता है सीजियम का, 2.2, वैसे एक्चुअली 2.14 होता है, एक्चुअल वैल्यू अगर लिखना चाहो तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब सीजियम जो है वो बहुत बेहतर इमिटर होगा और मैक्सिमम जिसका है प्लेटिनम वो बहुत बेकार इमिटर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेस द वैल्यू, सीधे लिखते हैं लेस द फाई नॉट बेटर विल बी इमिटर, बेटर विल बी इमिटर एंड मोर फाई नॉट मीन्स वर्स्ट इमिटर, ठीक है, उतना ही इमिटर बेकार होगा। तो मतलब ये बात बनी हमारी कि किसी भी मेटल से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगी, उस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। किसी भी सरफेस का वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा होगा वो सरफेस उतनी ही बेकार इमिटर कहलाएगी, और किसी भी सरफेस का वर्क फंक्शन जितना कम होगा वो सरफेस उतनी ही अच्छी इमिटर कहलाएगी, ठीक है, हो गया, नोट हो गया, ठीक है। अब देखो अगर अब ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए चाहिए, तो वो एनर्जी अलग अलग कंडीशंस में दी जा सकती है, ठीक है, किस किस कंडीशन में, देखो इमिटर किस किस टाइप के हो सकते हैं,
यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इमीशन, मतलब किस टाइप का इमीशन हो सकता है, तो मेजॉरिटी तीन टाइप का इमीशन होता है। एक होता है थर्मियोनिक इमीशन, थर्मियोनिक इमीशन, एक होता है फील्ड इमीशन, फील्ड इमीशन, और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमीशन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बात हो रही है, ठीक है। देखो, अगर मान लो हमने इमीशन कराने के लिए किसी भी मेटल की सरफेस से इमीशन कराने के लिए अगर एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी, तो जो निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हीट की वजह से निकलेंगे, ठीक है। तो यानी यहां पर एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में दी जाती है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है थर्मियोन्स, इनको थर्मियोन्स बोला जाएगा, ठीक है। हीट किया, हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये थर्मियोन्स है। डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व का नाम सुना होगा, उसमें ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। फील्ड इमीशन, अब अगर मान लो हमने यहाँ पर एनर्जी लगाई और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, ठीक है, यानी इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज़्यादा 10^8 वोल्ट पर मीटर तक का इज अप्लाइड, ठीक है, यानी इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इमीशन अगर होता है तो इसको बोला जाता है फील्ड इमीशन। और ये तो हमारा टॉपिक ही है, यानी अगर हमने जो एनर्जी लगाई है वो लाइट एनर्जी है, यानी लाइट एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है, देन दिस विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इमीशन, पी बोलेंगे हम इसे अब, ठीक है। और यहां पर जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लो। बस ये तीन टाइप का इमीशन होता है, थर्मियोनिक इमीशन, फील्ड इमीशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमीशन, जल्दी नोट कर लो। हो गया, चलो चलो, ये तो बात हो गई बेसिक बात कि बर फंक्शन क्या चीज़ होती है, जो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमीशन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि मतलब इलेक्ट्रॉन इमीशन क्या होता है। अब देखो, ये जो मतलब डिस्कवरी थी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना की, ये स्टार्ट हुई है 1887 से, ठीक है, यानी अब हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके पीछे देखो बहुत सारी चीजें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फिनोमेना है ये 1887 में 1887
1957 में हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट, सुना होगा तुमने, जिन्होंने जो है फ्रीक्वेंसी के सामने जिनका नाम आता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, ये, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे थे स्पार्क डिस्चार्ज से, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज से, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काफ़ी वर्क है हर्ट्ज का, 1887 की ये बात है। तो ये स्पार्क डिस्चार्ज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे थे, पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करवाया जाता है, स्पार्क के थ्रू करवा सकते हैं, तो स्पार्क डिस्चार्ज से करवा रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जहां पर स्पार्क डिस्चार्ज का कलेक्शन का जो लूप था, मतलब ऐसे समझ लो कि यहां से मान लो ये स्पार्क पैदा हो रहा है और यहां पर जाकर के टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है स्पार्क, स्पार्क का मतलब समझ लो ना चिंगारी, तो चिंगारियां यहां से पैदा हो रही हैं किसी भी वजह से और यहां पर जाकर के टर्मिनेट हो रही हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस जहां से स्पार्क निकल रहा है यहां पर अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दें, अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, विजिबल लाइट के मुकाबले में इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम यहाँ पर लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर डालें, तो डालने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है, ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग रहा, यानी ज़्यादा चमक पैदा हो रही है। अरे ये क्या हुआ, मतलब यहाँ से जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जा रही है, पहले तो यहाँ पर मान लो चार जाकर के टकरा रहे थे, जब अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो यहाँ से 8 डिस्चार्ज इनको दिखाई दिए, ठीक है। तो इन्होंने अब ये डिस्चार्ज हो रहा था, ये एक्चुअली क्या थी, क्या चीज़ थी, इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के टकरा रहे थे। तो फिर इन्होंने एक जो है अपना दिमाग लगाया और देखा, बोला कि यहां पर लाइट जब इस सरफेस के ऊपर जाकर के टकरा रही है तो यहां से ये लाइट जो है इस सरफेस से इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन इनकी थी। यानी इन्होंने बोला इंसिडेंट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट है, कॉजेज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, ठीक है, फ्रॉम मेटल, हैंस कंसंट्रेशन ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात, तो मतलब ये अपना एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कर रहे थे 1887 में, स्पार्क डिस्चार्ज प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे थे। उसी दौरान इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्चार्ज था, जो डिस्चार्ज का कंटेंट था, वो बढ़ जाता है, ज़्यादा चमक पैदा होने लगती है। तो इन्होंने फिर जो है स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर जो हमने ये लाइट डाली है अल्ट्रावायलेट लाइट, इस अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब फोटॉन्स हमने यहाँ पर डाले हैं, फोटॉन्स जिनके पास एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी है, ये फोटॉन्स ने इस सरफेस के ऊपर जाकर के कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने लगा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इमिट होने लगे हैं, ठीक है। तभी ये इंसिडेंट लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन करवा रही है। तो ये एक बेसिक बात इन्होंने बोल दी कि हाँ ऐसा होता होगा, पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं करा इन्होंने क्योंकि इनका काम कुछ और था, कुछ और चीज़ें कर रहे थे ये, बस इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन थी इनकी, जो ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने दे दी कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, हो गया, चलो। तो ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था हर्ट्ज का, तो हर्ट्ज ने एक बेसिक बात बता दी
कि हाँ इस तरीके से ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरी थ्योरी जो एक्सप्लेन करी, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया, वो दो साइंटिस्टों ने दिया। और ये साइंटिस्ट थे हालवेक्स एंड लिनार्ड, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ऐसे कह सकते हो कि डिस्कवरी पूरी तरीके से इन्होंने की, यानी इन्होंने पूरी थ्योरी इसकी एक्सप्लेन करी। काफ़ी साल लगे ऐसा करने में इन्हें। इन्होंने 1886 से लेकर के 1902 तक के पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना ये होती है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया पूरा। इन्होंने क्या देखा कि अगर हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड अगर हम लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाते हैं। जैसे ये मान लो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये मान लो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये चलो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है ये एनोड है। तो जब हम इस कैथोड के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो है मतलब ये जो लाइट है अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल इन्होंने भी किया था कि अगर हम इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवाती है और ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करवा दें, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। अगर एक बैटरी यहाँ पर लगा दी जाए इन दोनों के बीच में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, और इनके भागने की वजह से इस आउटर सर्किट के अंदर एक करंट डेवलप हो जाती है। आउटर सर्किट में जो तार हम जोड़ेंगे तो इनके अंदर एक करंट डेवलप हो जाती है। अब वो करंट किस वजह से आई है, इस अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस अल्ट्रावायलेट लाइट को बंद कर दें तो ये करंट रुक जाती है, और जब इस अल्ट्रावायलेट को डालें तो करंट लगातार चलती है। तो उस टाइम पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो थी नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी है, डिस्कवर हुआ है इलेक्ट्रॉन 1897 में। पहले तो ऐसे बोला जाता था कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ से पार्टिकल ऐसा निकल रहा है जो जा करके इधर की तरफ भाग रहा है। फिर बाद में 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो ये पता लगाया गया कि जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर डाली जा रही है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस एनोड की तरफ भाग रहे हैं, यानी इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे हैं। फिर इन्होंने ये देखा कि अगर हम मतलब जैसे इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन की, और उस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने जिंक की एक प्लेट ली ये, और जिंक की प्लेट को इन्होंने निगेटिव रखा पहले से, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इसके पास थी पहले से। फिर उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर लाइट जब डाली तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर के बाद इसका चार्ज गायब, और चार्ज गायब होने के बाद ये प्लेट अपने आप ही पॉजिटिव होगी थोड़ी देर के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो भाग गए, और इसके साथ साथ अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल करके भागे, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुई है। तभी इसका चार्ज यहां पर कैसा आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो फिर यहां से मतलब पूरी तरीके से इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम लाइट इसके ऊपर डालते हैं तो लाइट डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, फोटॉन्स डालने की वजह से, ये फोटॉन्स है, इन फोटॉन्स डालने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर निकल रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये। और जो आउटर सर्किट में एक करंट डेवलप होगी इसकी वजह से उसको बोला जाएगा फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फिनोमिना है पूरी इसको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यानी ये पूरी फिनोमिना हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ऑन
incident of light, on incidence of light, electrons are ejected, known as photoelectrons, which causes photo current, फोटो करंट, जिनकी वजह से यहां पर फोटो करंट आएगी। अगर ये फोटॉन्स डलेंगे तो आएगी, और फोटॉन्स को रोक दोगे तो ये करंट रुक जाएगी, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज नोन एज पी, ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी फिनोमेना को बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उन्होंने सबसे पहले यही ऑब्जर्वेशन किया कि एक कैथोड एनोड लिया जाए, फिर लाइट को इंसिडेंट करा जाए, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ जाने देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकले फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, करंट जो आई फोटो करंट है, पूरी फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम जिंक का कोई इलेक्ट्रोड इन्होंने लिया 1888 के आसपास लिया, नेगेटिवली चार्ज करा पहले से, उसके ऊपर जब लाइट डाली तो उसका चार्ज गायब, और इसके साथ साथ वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया चलो अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, यानी जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो ये देखा गया कि सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाना है किसी भी सरफेस से, तो उस सरफेस को हमको एक मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगी, और उस मिनिमम एनर्जी को ही हमने बोला वर्क फंक्शन, वही वर्क फंक्शन है। तो इसका मतलब जैसे कोई भी जो सरफेस है, ये अब इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालना है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको इस सरफेस के ऊपर ये लाइट डालना पड़ेगी, ठीक है, यानी एच न्यू यहां पर डालना पड़ेगा, ये लाइट फोटॉन्स की लाइट हमें डालना पड़ेगी। तो वो वर्क फंक्शन जो आएगा, मतलब ये फाई नॉट, ये मिलेगा कहां से, लाइट से। तो इसका मतलब लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ताकि ये वर्क फंक्शन के बराबर तो हो जाए, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी लाइट की होना चाहिए ताकि जो एनर्जी है वो एनर्जी कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर हो। जैसे मान लो ये सीजियम का है, सीजियम, अब सीजियम का वर्क फंक्शन अभी हमने पढ़ा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना। अब हमने फ्रीक्वेंसी इतनी दी कि इस फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है, यानी जो इंसिडेंट एनर्जी है, वो एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है
वो इतनी एनर्जी नहीं दे पा रही है, और अगर इतनी एनर्जी नहीं दे पाई तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि कम से कम तो इतना चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा दे दोगे तो बेहतर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा, अभी आगे बात करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो ये देखा गया कि एक कम से कम फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू दिस वर्क फंक्शन हमको यहां पर देना पड़ेगा, जिससे नीचे यानी जिससे कम अगर तुम फ्रीक्वेंसी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, ज्यादा दोगे तो हो जाएगा, या बराबर दोगे तब भी कम से कम इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये बात और है कि उसके पास एनर्जी नहीं होगी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिससे ऊपर की तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है उसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। यानी अब क्या बात बनी, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कॉजेस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अबव विच यानी इसके ऊपर अगर जाओगे देन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर होगा, ठीक है, एंड बिलो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस। समझ में आ गई बात, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है कम से कम जिससे जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है, उससे ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी दोगे तो हो जाएगा, कम रखोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि फिर वो फ्रीक्वेंसी इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगी कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, उससे कम होगी, उसके बराबर या ज्यादा होगी तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं होगी तो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमको इसको देना पड़ेगी, नोट करो। हो गया चलो अब देखो, तो देखो जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम देखें तो हर लाइट हर मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं करवा सकती, जैसे बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें इनकी, जिंक है जैसे, कैडमियम है ना, ये है, तो ये मेटल जो हैं, जिंक है, कैडमियम है और भी हैं जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो इनको इनमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इनके अंदर इजेक्शन जो है वो हो सकता है अल्ट्रा वायलेट लाइट से, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर डालोगे तो इससे हो जाएगा इनके अंदर इमिशन। और जो जो जैसे अल्कली मेटल्स हैं, है ना, जैसे सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, पोटेशियम है ना, रूबीडियम है, सीजियम है, ये सब, तो इन सब के अंदर जो नॉर्मल हमारी विजिबल लाइट होती है वो भी अगर डाल दी जाएगी तो उससे भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कम एनर्जी वाला फोटोन भी यहाँ से इजेक्शन करवा दे रहा है, इसका मतलब इन मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत आसानी से निकल जा रहा है, जबकि इनके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तभी ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये जानते हो तुम, विजिबल लाइट की उससे कम होती है और इंफ्रारेड की सबसे कम होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है, तो इसीलिए इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तभी ये हाई एनर्जी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन के लिए, और ये लो एनर्जी में भी इनका काम चल जा रहा है। ठीक है, लो एनर्जी में भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है। तो ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, तो ये सारी सब्सटेंसेस होती हैं जिनका जिनके ऊपर लाइट का इफेक्ट है। अब जो भी, अब हर सब्सटेंस के ऊपर थोड़ी ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होती हैं जिनके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है। ठीक है, अब तुम सोचो दीवार पे हम लाइट डालें और दीवार से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बाहर आ जाएं, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। तो जो भी सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, उनको क्या बोला जाता है, फोटो सेंसिटिव। ठीक है, फोटो सेंसिटिव होती हैं ये, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस। ठीक है, वेयर पी अगर, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। ठीक है, हर सब्सटेंस के अंदर नहीं हो सकता। तो ये तो इनकी बेसिक बात थी जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व करी। ठीक है, अगर इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जाए, इसको मिटा देते हैं, अगर इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जाए, क्या था एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने दो इलेक्ट्रोड जो लिए, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर, मतलब एयर वेयर ना हो जो इलेक्ट्रॉन्स को चलने में दिक्कत पैदा करे, तो इसके अंदर एक कैथोड प्लेट है ये सी, और एक ये एनोड प्लेट है ए, ये है। ठीक है, और इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी से। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, और बैटरी इसलिए लगाई गई ताकि यहाँ पर हम जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकें, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो। इस तरीके से बैटरी रियोस्टेट के थ्रू लगाई गई, ठीक है, ताकि जितना डिज़ायर्ड वोल्टेज है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये कम्यूटेटर लगाया गया एक, जिससे हम, और इसके लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया जो वोल्टेज को यहाँ पर मेज़र कर सकता है। ये वोल्ट मीटर लगाया गया जो वोल्टेज को मेज़र कर ले। ठीक है, तो इस तरीके का इन्होंने सेटअप बनाया, इधर वाले टर्मिनल को जो एनोड था उसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, और जो ये था इसको निगेटिव टर्मिनल बनाया। इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा, मतलब हाई पोटेंशियल पर रखा, ये वाला हाई पोटेंशियल पर और ये वाला लो पोटेंशियल पर रखा, और यहीं पर एक विंडो बनाई इस तरीके से। ठीक है, ये विंडो बनाई क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट विंडो, जिससे लाइट आराम से आकर के इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, ये था इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसमें एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया, इवैक्यूएटेड का मतलब जिसके अंदर हवा नहीं होना चाहिए, मतलब ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इवैक्यूएटेड चैम्बर इन्होंने कंसीडर किया जिसके अंदर हवा नहीं है, और इसी के अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल के ऊपर रखा और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखा, माने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर से इधर। ठीक है, यानी अभी इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव वाला टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर अभी डायरेक्शन है, ठीक है, ये है। आप देखो क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जैसे इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर स्ट्राइक मतलब फोटॉन्स को यहां से डाला, अल्ट्रावायलेट लाइट को जब यहां से इसके ऊपर डाला, तो डालने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से भागना स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन, ये तुमको पता ही है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिया, यानी इस वाली प्लेट की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर दिए, लगातार जाना स्टार्ट कर दिए, और इसकी वजह से इस सर्किट के अंदर एक करंट इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, यानी यहां पर करंट एक इस्टेब्लिश हो गया। अब यही करंट कौन सा करंट था, फोटो करंट, यही फोटो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये है, और इसकी वजह क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। और इन्होंने फिर देखा कि अगर हम इफ वी स्टॉप दिस लाइट विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द कैथोड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, मीन्स फोटो करंट इन द सर्किट स्टॉप्स, यानी यहां पर फोटो करंट नहीं मिल पाया। इस करंट को नापने के लिए यहां पर एक अमीटर लगाया गया जो माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने देखा कि यहां से अगर हम लाइट को स्टॉप कर देते हैं तो फिर ये करंट रुक जाती है, यानी यहां पर हमको इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं मिल रही, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि पहले तो ये जो एनोड है इस एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखने की वजह से यहां पर ये वाला जो कैथोड था ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि ये बैटरी ने जो नीचे हमने लगाई थी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही थी, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ लगातार भाग रहे थे। तो यहां पर हम एक बात लिख सकते हैं, व्हेन एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड causes electron flow and photo current develops in circuit, ठीक है। This current वैनिशेस मतलब खत्म हो जाता है इफ लाइट स्टॉप्स, अगर लाइट को स्टॉप कर दिया जाए तो फिर ये करंट अपने आप यहां से गायब हो जाता है। तो अब तक क्या बनी बात हमारी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हाई पोटेंशियल पर रखा हमने, लो पोटेंशियल पर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन इस तरीके से लगाया, जब लाइट डाली इलेक्ट्रॉन्स निकले, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागे, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे तो सर्किट के अंदर जो करंट आई वो फोटो करंट है, और जैसे ही इस लाइट को काटा गया तो ये करंट रुक गई, करंट जीरो हो गई। नोट करो जल्दी से इतना, हो गया। तो ये बात बनी यहां पर, ठीक है, अब तक। अब देखो ये जो फोटो करंट इस सर्किट के अंदर डेवलप हो रहा है, इस करंट को हम चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये घटाया बढ़ाया कैसे जा सकता है, बाय चेंजिंग एनोड वोल्टेज, यानी यहां पर हमने रियोस्टेट जो लगाया है तो इस रियोस्टेट से अगर एनोड का वोल्टेज हम चेंज करते रहें तो फिर हम इस करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो पहले हमने यहां पर प्लस का 5 वोल्ट बनाया, मान लो प्लस 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, इधर तो नेगेटिव फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो प्लस 5 बनाया, प्लस 5 से घटा करके प्लस 4 बनाया, इससे घटा करके प्लस 3 कर दिया, इससे घटा करके प्लस 2 कर दिया, तो क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर वोल्टेज को तुम घटाओगे तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा,
तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर खींचते हुए चले आ रहे थे, तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कम ताकत वाले भी थे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ताकत प्रोवाइड कर रहे दे रहा था, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे थे। लेकिन अब जो कमज़ोर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो करंट घट जाएगी। और अगर हमने इस पोटेंशियल को जीरो कर दिया, तब भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तब भी करंट और घटेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस करंट को हम वेरी कर सकते हैं, इस करंट को हम वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग एनोड वोल्टेज, और लाइट की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, वो ये विंडो लगी है इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, फोटो करंट मे बी वेरीड बाय चेंजिंग एनोड वोल्टेज, ठीक है। ये अब ये जो सेटअप था, इस सेटअप का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं, हम करंट के ऊपर इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर हम यहां से लाइट की इंटेंसिटी चेंज करें तो करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या एनोड का वोल्टेज चेंज करें तो लाइट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पूरा पॉइंट लिख सकते हो, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप मे बी यूज्ड फॉर वेरिएशन ऑफ फोटो करंट बाय, कैसे, बाय कैसे, जैसे सबसे पहले अगर हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करें, यानी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब बताई तो फोटॉन्स में हमने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बी, इंटेंसिटी का जनरल मतलब जान रहे हो ना, जैसे लाइट मान लो एक बार सूरज की लाइट डायरेक्ट आकर के हाथ पे पड़ रही है, और एक बार उसी लाइट को अगर तुम एक मिरर लगाओ और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के लेकर आओ, तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो डायरेक्ट लाइट आ रही है उसमें और जो मिरर पर डल कर आ रही है उनमें फ़र्क होगा। जो डायरेक्ट वाली आएगी वो ज़्यादा तुम्हारी स्किन के ऊपर जो है जलन पैदा करेगी, क्योंकि उसमें फोटोन ज़्यादा हैं, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है। और जब तुमने रिफ्लेक्शन करवा दिया तो रिफ्लेक्शन में कुछ लॉस होता है, तो लॉस होने के बाद तुम्हारे ऊपर आ रही है, तो इसीलिए उसकी इंटेंसिटी कम होगी, समझ मारी बात। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरी चीज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करें तो फोटो करंट पे क्या असर पड़ेगा, तीसरी चीज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यानी एनोड और कैथोड के ऊपर पोटेंशियल अगर जो है डिफरेंस हम करें तो, और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी एनोड का वोल्टेज अगर हम चेंज करते चले जाएं तो फोटो करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इन सारी चीज़ों में हम अभी इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम जो है इंटेंसिटी लाइट की घटाएं या बढ़ाएं तो उससे करंट पे क्या असर आएगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी घटाएं या बढ़ाएं तो उससे करंट पे क्या असर आएगा,
पोटेंशियल डिफरेंस एनोड कैथोड का बटा चेंज करें तो उससे क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ एनोड का पोटेंशियल प्लस से माइनस, जीरो जीरो से माइनस ले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा फोटो करंट के ऊपर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। नोट करो जल्दी से, हो गया। हो गया, चलो अब जरा पढ़ते हैं ये वाला हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा कि फोटो करंट के ऊपर इंटेंसिटी का क्या असर होता है, यानी इंटेंसिटी अगर हम लाइट की चेंज करें तो इससे फोटो करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये देखते हैं पहले। यानी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, ये ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करते हैं, इंटेंसिटी का मतलब डायरेक्टली इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करना, ठीक है। इंटेंसिटी अगर मान लो बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करने का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना, ठीक है। तो यहां पर जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई बाकी चीजों को कांस्टेंट करते हुए, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस उसको कांस्टेंट मानते हुए, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मानते हुए, और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, माइक बार बार नीचे पहुंच जा रहा है, उठा लेते हैं, ठीक है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो था एनोड और कैथोड के बीच में उसको कांस्टेंट मानते हुए हमने चेंज किया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तुमको बता ही था। वोल्टेज तो चलो कांस्टेंट है, बैटरी से बना हुआ होगा सेटअप के बीच में, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट कर दिया, मतलब कलर को कांस्टेंट करा। जैसे मान लो एक बार 100 वॉट के बल्ब से लाइट डाली और एक बार 500 वॉट के बल्ब से लाइट डाली, तो लाइट का जो कलर है वो तो सेम है ना। मान लो ग्रीन ले ली तो ग्रीन ग्रीन, लेकिन पावर अलग अलग है। पावर अलग अलग होने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो इंटेंसिटी चेंज करी गई लेकिन वोल्टेज को और इसको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हुए, वोल्टेज समझ रहे हो ना। अभी ये सेटअप था हमारा इस तरीके से, इसमें हमने इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज लगाया था ये कांस्टेंट है, ठीक है, और लाइट जो डाली जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, ठीक है, बस इंटेंसिटी चेंज करी गई। यानी एक बार हमने मान लो 100 वॉट का बल्ब इस्तेमाल करा और एक बार 500 वॉट का इस्तेमाल करा, लेकिन कलर दोनों का सेम लिया ग्रीन, तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो यहां से आप क्या होगा, देखो जैसे हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर चेंज हुए इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने का मतलब करंट डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट को प्रोड्यूस करते हैं। क्यू इज इक्वल टू एन ई और अपॉन टी, दिस विल बी करंट, इसी को करंट बोला जाता है ये। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए तो करंट लीनियरली चेंज होगा, इसका मतलब करंट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी, करंट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी इंटेंसिटी के ऊपर। समझ में आ गई बात, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो फिर करंट डायरेक्टली बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑन चेंजिंग, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकती है, ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट चेंजेस लीनियरली, ठीक है, यानी लीनियरली बढ़ेगी अगर इनके बीच का ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके से आएगा।
ठीक है, करंट और इंटेंसिटी के बीच में स्ट्रेट लाइन, ये जैसे जैसे हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी यहाँ पर बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, नोट करो, समझ में आ गई बात। यानी आप जनरल एक पॉइंट बस याद रख लो, कभी भी अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बना करके तो करंट बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, ठीक है, लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है, करंट चेंजेस लीनियरली, करंट चेंजेस लीनियरली, तो लीनियर करंट बढ़ती चली जाएगी। जैसे इंटेंसिटी यहाँ पर मान लो 10 रखी थी तो करंट ये था, जब इंटेंसिटी हमने 20 कर दी तो करंट बढ़ करके इतना हो गया, जब हमने इंटेंसिटी 50 कर दी तो करंट बढ़ करके इतना हो गया, ऐसे लीनियरली बढ़ रहा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, होते होंगे, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमको, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी जो है बोल सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, उसको क्लियर करने की जो है कोशिश की जाएगी। चलो अगली चीज, ये तो हो ही गया होगा। अब देखो यहां पर एक चीज और है, अगर हम ये कैथोड था हमारा और ये एनोड है हमारा, ठीक है, तो इस कैथोड के ऊपर यहां से ये लाइट डाली जा रही है, मतलब ये सोर्स है और ये हमारा इमिटर है, ठीक है, ये सोर्स है और ये हमारा इमिटर है, और इस सोर्स के और इमिटर के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, तो ये फोटोमीट्री का एक प्रिंसिपल है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ पढ़ी होगी आपने अगर सुनी हो, तो ये होता है इंटेंसिटी जो होती है इनवर्सली डिपेंड करती है दूरी के स्क्वायर पर, ये वैसे एल कॉस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर ल्यूमिनेंस होता है, ये ल्यूमिनेंस होता है और अपॉन में आर स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। मतलब अगर आप इमिटर और सोर्स दोनों के बीच का गैप अगर चेंज करोगे तो इस गैप को चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज होगी, ठीक है, और इस तरीके से होगी, गैप को अगर दुगना कर दिए तो इंटेंसिटी चार गुना घट जाएगी, है ना। जैसे मान लो ये सरफेस है, यहां बल्ब है, तो अभी बल्ब इतनी दूरी पर है, ये रोशनी इसके ऊपर फेंक रहा है, इंटेंसिटी फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं इस पर, लेकिन ऐसे ही इस बल्ब को दूर ले जाओगे अगर, तो इसके ऊपर आने वाली जो फोटॉन्स थे वो घट जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो यही होता, मतलब ऑन चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन इमिटर एंड सोर्स, ऑन चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन इमिटर एंड सोर्स इंटेंसिटी चेंजेस, इंटेंसिटी चेंजेस यानी आई इनवर्सली डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी दूरी अगर दुगनी करोगे तो इंटेंसिटी चार गुना घट जाएगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, नोट कर लो। ये हो गया इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि सोर्स और इमिटर के बीच में दूरी पहले इतनी थी, अब दूरी इतनी कर दी गई, तो करंट पहले इतना था तो कितना हो जाएगा, तो जितने गुना इंटेंसिटी घटेगी उतने ही गुना करंट भी घटेगा, क्योंकि करंट का और इंटेंसिटी का दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितने टाइम्स तुम इंटेंसिटी को बढ़ाओगे उतने टाइम्स करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, नोट करो, हो गया। चलो तो ये तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, यानी लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो हमने देखा कि फोटो करंट डायरेक्टली चेंज होगा, ठीक है, बस लाइट की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट रखना था। अब दूसरी चीज देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल
difference on photo current. ठीक है, अब जरा देखा जाए कि अगर हम जो पोटेंशियल था कैथोड का और एनोड का उसको अगर चेंज करें तो उससे करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा. तो पहली चीज देखो, इस सेटअप में हम जो ये हमारा सेटअप था, ठीक है, जिसमें ये वाला हमारा सी कैथोड और ये ए एनोड और ये लाइट, ठीक है. अब यहाँ पर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है. और कांस्टेंट बनाते हुए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज करते हैं, ठीक है. तो देखो, अगर देखा क्या गया, ऑब्जर्व क्या किया गया कि अगर इस एनोड का पोटेंशियल लगातार बढ़ाया जाए, यानी इस कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखा जाए, ठीक है, लगातार पॉजिटिव. जैसे मान लो इस कैथोड का अपना एक पोटेंशियल है जो भी है, माइनस का 10 है ये, और इसका प्लस का 10 है ये, प्लस 10 से प्लस 12, प्लस 12 से प्लस 20 तक ले जाया जाए, ऐसे किया जाए, मतलब लगातार हम इसको इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बनाते चले जा रहे हैं. तो जैसे जैसे इस एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा पॉजिटिव, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ेगा. प्लस 20 अगर पहुंचा और ये माइनस 10 है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 का हो गया, पहले 20 का था अब 30 का है, तो लगातार पोटेंशियल डिफरेंस यहां बढ़ता चला जा रहा. तो इससे क्या देखा गया कि जैसे लगातार ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो पहले करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब इसके अंदर फोटो करंट जो हमारे सर्किट में थी वो बढ़ रही है लगातार. लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट आया जब इस प्लस 20, मान लो ये एक ऐसा वोल्टेज आया जिसके ऊपर अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं प्लस 30, प्लस 40, प्लस 50, 60 ऐसे, तो करंट फिर सैचुरेट हो गई. उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगी, उसके बाद करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगी, यानी वो मैक्सिमम करंट होगी. उस करंट को बोला जाएगा सैचुरेशन करंट. बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मान लो यहां पर इस कलेक्टर के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं निकलने के लिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं निकलने के लिए जो निकल सकते हैं इस कलेक्टर से जाकर के, इस एनोड के ऊपर जाकर के टकरा सकते हैं. पहले यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स मान लो इसने निकाल के बाहर कर दिए. अब इन 100 इलेक्ट्रॉन्स को यहां जो रखे हुए हैं, पहले हमने 20 का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो हो सकता है इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में 20 इलेक्ट्रॉन या चलो 40 इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जिनमें इतनी ताकत ना हो कि ये इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर यहां से चल के यहां आ पाए, तो ये 40 इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे. यानी हमको जो करंट मिलेगी वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलेगी? 60 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. अब हमने थोड़ी सी ताकत बढ़ाई, तो थोड़ी सी ताकत बढ़ाई मतलब पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया, 12 कर दिया. तो 12 करने के बाद इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से हो सकता है अब 50 इलेक्ट्रॉन जा पाते हों, तो इसका मतलब हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मिलेगी? 50 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. यानी करंट अब जो है, पहले 60 इलेक्ट्रॉन जा पा रहे थे, अब यहां पर 30 इलेक्ट्रॉन है, तो अब करंट कितनी? 70 की वजह से, क्योंकि एनर्जी हमने बढ़ाई है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बढ़ाया, तो इसकी खींचने की क्षमता और ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा जाएंगे, मतलब 30 जो है वो नहीं जा पाए, 70 जाएंगे, 70 की वजह से जो है करंट फ्लो करेगी. और बढ़ाया मतलब 20 पर पहुंच गए, तो 20 पर अगर पहुंचे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सबको इतनी ताकत मिल गई कि ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर पहुंच सकते हैं. अब क्या बचा? अब तो यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब इलेक्ट्रॉन्स ने करंट दे डाली, यानी सबकी वजह से करंट फ्लो हो गई, और ये करंट मैक्सिमम करंट है क्योंकि अभी एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है बकाया नहीं है, जितने थे सब के सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर करंट आ रही है और 0 इलेक्ट्रॉन यहां पर बकाया है, एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसका मतलब ये जो करंट होगी ये इस सर्किट की मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है, मैक्सिमम करंट, या इसी को बोला जाएगा सैचुरेशन करंट. अब तुम चाहे वोल्टेज जितना बढ़ाओ,
जैसे 20 से बढ़ा करके 30 कर दिया, तब भी तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास 100 ही हैं, क्योंकि यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो फिक्स हैं, इंटेंसिटी थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। तो अब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो ही है ना, मैक्सिमम करंट अब भी उतनी मिलेगी जितनी मिल रही थी। वोल्टेज बढ़ा करके 40 कर दो, 50 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो, कितना भी कर दो, करंट तो उतना ही मिलेगा तुमको। ठीक है, इसका मतलब जब हम इस एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में बढ़ाते हैं तो करंट पहले बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसके ऊपर ये एनोड का यानी इसका जो सर्किट का करंट होता है वो सैचुरेट हो जाता, क्योंकि जितने भी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे करंट देने लगते हैं, उसके बाद करंट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो पहली बात यहां पर लिख सकते हो, ऑन इफ, ऐसे लिख लो, इफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड देन करंट इंक्रीजेस एंड एक्वायर्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? यानी अगर हम एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएं कैथोड के रिस्पेक्ट में तो पहले तो करंट बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगी, उसके बाद करंट हो जाएगी सैचुरेट, और इसी करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट, यही सैचुरेशन करंट है। ठीक है, नोट कर लो। नोट करो जल्दी से, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मान लो इस एनोड को हम बनाते हैं, अब इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में घटाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसका पोटेंशियल डिक्रीज करो। तो इसका पोटेंशियल अगर डिक्रीज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में डिक्रीज होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो करंट जो होगी वो डिक्रीज करेगी, लगातार डिक्रीज करती चली जाएगी। यानी पहले जैसे अभी हमने लिया कि यहाँ का प्लस 10 था, प्लस 10 से घटा करके हमने प्लस 5 किया, प्लस 5 से घटा करके जीरो कर दिया। ठीक है, तो करंट लगातार घटेगी, क्योंकि पहले पोटेंशियल डिफरेंस 20 का था, अब पोटेंशियल डिफरेंस 15 का है, अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, तो यहाँ पर करंट लगातार घटती चली जाएगी, फोटो करंट लगातार घटेगी। और फिर उसके बाद अगर हम इसको लगातार घटाते चले जाएं और घटाते घटाते माइनस में कर दें, नेगेटिव पोटेंशियल कर दें, तक इसके रिस्पेक्ट में माइनस 5 कर दिया, तो अब तो इनके बीच में 5 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और एक ऐसा पोटेंशियल जब माइनस 10 आया तो इनके बीच में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आया, यानी अभी इनके बीच का जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, और घटा दें अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 कर दिया, तो फिर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस का 10। माइनस का 10 का मतलब अब ये वाला इलेक्ट्रोड इसके मुकाबले में नेगेटिव हो गया, इस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव कर दिया। तो यहां पर ये जो करंट है ये लगातार घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इन्हीं बीच में कहीं पर एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इस सर्किट की करंट एकदम जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां पर करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। और ये करंट, क्योंकि अब यहां हो क्या रहा है कि अगर यहां ये वाला इलेक्ट्रोड तुम नेगेटिव बना दोगे तब यहां इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। और लगातार इस नेगेटिव को तुम बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, तो रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा। तो अब भी मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स में, जैसे जीरो भी अगर तुमने रखा तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स में इतनी ताकत होगी कि वो पहुंच जाएंगे कूद के उधर। लेकिन अगर हम लगातार निगेटिव बढ़ाते चले जाएं
तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इधर नहीं आ पाएगा, बस उस टाइम पर सर्किट की करंट हो जाएगी जीरो, और इस इंस्टेंट का जो नेगेटिव वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज। यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या यही होता है स्टॉपिंग वोल्टेज, या यही होता है बैरियर वोल्टेज, या यही होता है कट ऑफ वोल्टेज, सब इसी के नाम। ठीक है, यानी इस वोल्टेज के ऊपर सर्किट की करंट बिल्कुल जीरो होगी, सर्किट में बिल्कुल भी करंट नहीं आएगी, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। समझ में आ गई बात? तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, ऑन, ऐसे लिख लो, इफ पोटेंशियल ऑफ एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन करंट डिक्रीजेस एंड एट ए सर्टेन वोल्टेज करंट ऑफ सर्किट बिकम्स जीरो, दैट इज स्टॉपिंग और कट ऑफ वोल्टेज बी नॉट विच विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव में होगी। नोट कर लो जल्दी से। हो गया? चलो, तो अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल यहां लगाया गया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, इवन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास बहुत हैवी एनर्जी होगी, वो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से नहीं जा पाएंगे। यानी ये वो वोल्टेज होता है जो मैक्सिमम एकदम ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक दे, उनको भी रोकने वाला इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, ये है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? के मैक्स से हम बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाफ एम वी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले हैं, जिनके पास बहुत ताकत है, वो भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे तो छोड़ दो, है ना, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है वो भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। जैसे रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, कि वैसे जनरली क्या होता है कि वीआईपी लोग कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जनता जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन एक ऐसा वक्त, जैसे मान लो कहीं पर जो है, जो इलेक्शन का जब दौर आता है, तो आचार संहिता लगी हुई है, तो वो सबके लिए, चाहे कितना भी वीआईपी हो, वो भी नहीं जा सकता उस बैरियर को क्रॉस करके, क्योंकि वो रूल बहुत तगड़ा है। तो ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, वो भी यहां पर नहीं जा सकते हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस क्योंकि बैरियर को तोड़ना है, अगर जैसे यहां पर हमारा ये कैथोड था और ये वाला हमारा एनोड था ये, तो अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, माइनस का वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कूदना चाहता है तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा W इज इक्वल टू क्यू इन टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला होता है। और इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इलेक्ट्रॉन और इन टू वी नॉट माइनस में इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो माइनस में है। तो मतलब ये वर्क डन है इलेक्ट्रॉन का, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतनी ताकत भी अगर है कि इसके बराबर है, तब भी ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, यानी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हो जाएगा E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये वो दौर है, तभी इस सर्किट का करंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी करंट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ठीक है। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इवन मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर। नोट करो, यानी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए। जल्दी से नोट कर लो, हो गया, हो गया। चलो, तो ये तो हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, यानी एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर करंट की वैल्यू जीरो होती है, उसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ नहीं जा सकता। बस उसी पोटेंशियल को बोला जाता है यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, अभी हमने ये बात करी थी कि लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की फ्रीक्वेंसी, इसको अगर हम कांस्टेंट माने तो फिर हम यहां पर पोटेंशियल का वेरिएशन चेक कर रहे थे। पोटेंशियल चेंज करने से हम करंट के ऊपर इफेक्ट देख रहे थे। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम इस तरीके से करें कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और इंटेंसिटी को लाइट की वेरी करें, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करें, तो ये तो बात तय है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा। लाइट की अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा। तो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया गया, देखो, जैसे अलग अलग लाइट की इंटेंसिटीज के ऊपर अगर एक ग्राफ तैयार करा जाए यहाँ पर, तो ग्राफ में देखो क्या देखा गया, मतलब ये, ठीक है, ये पोटेंशियल है इधर, पोटेंशियल एनोड का पोटेंशियल है, और इधर हम ले रहे हैं करंट ये। तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं,
तो धीरे धीरे करंट बढ़ती है। जैसे यहाँ पर मान लो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव में ही होता है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारा। अब हम इस पोटेंशियल को लगातार बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी, ये करंट लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते इस तरीके से थोड़ी देर के बाद सैचुरेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये वोल्टेज हम लगातार निगेटिव से -5, -4, -3, -2, 0 पे पहुँचे तो करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट लगातार बढ़ रही है लेकिन उसके बाद करंट हो जा रही है सैचुरेट, क्योंकि उसके बाद तुम्हें बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब यूटिलाइज हो जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट अब नहीं बढ़ेगी। तो मान लो ये इंटेंसिटी हमने आई वन रखी, तो ये बात आई। अब हमने क्या किया कि इंटेंसिटी को बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, आई वन से आई टू कर दिया, तो क्या देखा गया कि इंटेंसिटी को जब बढ़ाया तो करंट बढ़ा इस तरीके से ये, फिर उसके बाद फिर वही सैचुरेशन आया तो ये करंट आया आई टू, करंट आया मतलब ये वाला करंट है पहले वाले से ज़्यादा है, पहले इतना था अब मैक्सिमम करंट इतना। फिर थोड़ा और इंटेंसिटी को बढ़ाया तो ग्राफ इस तरीके का आया, ये आई थ्री ये आया। मतलब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जैसे हम इंटेंसिटी को लाइट की बढ़ा रहे हैं तो करंट तो चेंज हो रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। यानी लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करोगे अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए तो इससे करंट तो वेरी करेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना है उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी करंट चेंज, यानी ये बात बनेगी, देखो आई वन इज ग्रेटर देन आई वन इज लेस देन आई टू इज लेस देन आई थ्री, यानी ये वाली इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम है सबसे कम है, तो फिर करंट की अगर बात करें तो आई वन विल बी ग्रेटर देन आई टू विल बी ग्रेटर देन आई थ्री, ये होगा। ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन आई, करंट बढ़ा, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उतना करंट यहाँ पर बढ़ा, बट स्टॉपिंग वोल्टेज जो है वी नॉट ये यहाँ पर नहीं बदला, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। अब ये क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि देखो अगर हम जैसे कैथोड के ऊपर जो लाइट डाल रहे थे ये हमारा कैथोड था, तो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल इनके बीच का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिसाइड किससे हुआ है, इस कैथोड से और इस एनोड से, इससे डिसाइड हुआ। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम ये बढ़ा पाए तो इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये बढ़ सकती है अगर हम यहाँ से ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स डालें, और ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स के लिए क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसका मतलब अगर तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, या फिर इसका मटेरियल बदल दो तो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी असर नहीं आएगा, फोटो करंट पर आएगा। अब इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो फोटो करंट चेंज होगा लेकिन इससे जो है ये चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर फिक्स रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टॉप एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज
independent of intensity of light. ठीक है, नोट करो. हो गया. तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि लाइट का अगर तुम क्वालिटी चेंज करोगे, क्वालिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करोगे, एक बार रेड कलर एक बार ग्रीन कलर, तो स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज होगा. और अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो चेंज होगा. ठीक है, कभी भी इंटेंसिटी चेंज करने से चेंज नहीं होगा. तो यहाँ से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग वोल्टेज अगर चेंज होगा तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर. ठीक है, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल पर. और किस पर डिपेंड करेगी? क्वालिटी ऑफ लाइट के ऊपर. ठीक है, तो एक पॉइंट यहीं और बढ़ा सकते हो तुम. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ, यहां लिख दें, नोट कर ही लिया होगा तुमने, मटेरियल ऑफ कैथोड एंड एनोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट ऑन इंटेंसिटी. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमारे पास अब तक दो बातें बनी, दो बात हमने करी. पहली बात हमने पढ़ी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट. तो वहां पर हमने पढ़ा कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखें, तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी को अगर चेंज करें तो हमने देखा कि करंट लगातार चेंज होगा ये. और दूसरी बात हमने इधर पढ़ी कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखें, तो इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखते हुए अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं तो करंट बढ़ेगी और बढ़ते हुए एक बार जा करके सैचुरेट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर इंटेंसिटी को चेंज किया जाए, इंटेंसिटी को अगर चेंज किया जाए तो करंट चेंज होती है, सैचुरेट हो जाती है थोड़ी देर के बाद. ठीक है, इंटेंसिटी अगर चेंज की जाएगी, फ्रीक्वेंसी लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट रखी जाए तब ये बात है. तो फिर इंटेंसिटी चेंज करने से करंट चेंज होती है. इसका मतलब यहाँ पर बात बनी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे और मटेरियल के ऊपर. ठीक है, डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो इससे फोटो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा. ठीक है, नोट कर लो जल्दी से. हो गया, चलो अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं. ये अभी तक हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट. ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, दो चीज़ें हमने पढ़ ली. एक पढ़ा हमने इंटेंसिटी अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक पढ़ा हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा. अब जरा पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट. ठीक है, अब देखो यहां क्या हो रहा है
ये जो हमारा सेटअप था इसमें हम लाइट की इंटेंसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ये न्यू, तो इसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ेगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ज़्यादा निगेटिव की तरफ जाएगा, ये मोर निगेटिव होता चला जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी लाइट की जितनी बढ़ाई उतना ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ये ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही निगेटिव ज़्यादा होती चली जाएगी जितना तुम फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाते चले जाओगे। जैसे एक बार तुमने यहाँ पर रेड लाइट का इस्तेमाल करा और एक बार ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करा, तो रेड की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम होती है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रेड वाले की कम होगी, यानी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ही रोकने के लिए ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही निगेटिव में ज़्यादा चाहिए तब इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमको रोकना है, बैरियर बनाना, तो मोर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा, तभी तो रोकने के लिए ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगी। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लाइट की स्टॉपिंग पोटेंशियल लगातार बढ़ता है, पहली बात, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, अब इसको अगर ग्राफ के ऊपर दिखाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसके ऊपर करंट है और इंटेंसिटी, लेकिन हम यहाँ पर लाइट की कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट इंटेंसिटी के ऊपर बात हो रही है। तो देखो क्या होगा, जैसे पहले मान लो इस तरीके से ये थी कंडीशन, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फिर ये हुई कंडीशन, फिर उसके बाद और बढ़ाई फ्रीक्वेंसी, फिर ये हुई कंडीशन। ये मतलब यहाँ पर ये देखा गया कि लगभग लगभग सैचुरेशन करंट हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेम है, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो तो फिक्स पड़ रहे हैं इसके ऊपर, बस उनमें एनर्जी ज़्यादा है। पहले भी 10 फोटॉन थे क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, और बाद में भी 10 फोटॉन है तो उसकी वजह से फोटॉन्स तो सेम है, तो इसकी इंटेंसिटी मतलब यहाँ पर सेम है, इंटेंसिटी जो रखी है हमने ये यहाँ पर आई है ये, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू वन थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वन था, अब फ्रीक्वेंसी न्यू टू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट टू है, और बाद में फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री है तो पोटेंशियल स्टॉपिंग वाला वी नॉट थ्री है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे इस एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, यानी वी थ्री न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, तो उसी हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा है, V03 सबसे ज़्यादा है, V02 उससे कम है और V01 सबसे कम है, नेगेटिव में वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से बात ये समझ में आती है कि जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे समझ में आ गई ना, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मींस अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है, जितने गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतने गुना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी लीनियर रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो यहाँ एक बात लिख दो, ऑन इंक्रीजिंग On increasing frequency, maximum kinetic energy of photo electrons increases, hence more
potential is required to stop these electrons, that is stopping potential increases, ठीक है, increases linearly, दोनों के बीच में relation linear होता है ये, ठीक है, यानी अगर हम stopping potential, ये है हमारा stopping potential और ये है frequency, इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं दो अलग अलग मेटल्स के लिए, जैसे एक मेटल ए है एक मेटल बी है, तो ये मेटल होगी, ये मेटल बी होगी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो जैसे जैसे यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है इन दोनों के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, डायरेक्टली रिलेशन में होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे लीनियरली स्टॉपिंग वोल्टेज भी बढ़ेगा, और तुम देख सकते हो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है ये और यहां पर ये मान लो फ्रीक्वेंसी है इसकी V और ये है मान लो V1 है चलो और इसको मान लो V2 है, तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, और यहां पर भी ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर अगर जाओगे तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, यानी इसके आगे जाओगे, बाकी पीछे की तरफ आओगे तो स्टॉपिंग, तो फिर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, तो इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा स्टॉप, ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी जो हम बता रहे थे आप, तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है तो इस न्यू वन की वैल्यू इस न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, और ऐसे यहां पर इस न्यू टू की वैल्यू इस न्यू से न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए तब होगा, ठीक है, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जो है हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, उसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अभी इससे पहले हमने समझाया था तुम्हें क्या क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसके ऊपर अगर रखोगे तो होगा जो है इमिशन, और इसके अंदर अगर जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात बनी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और ये भी हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नोट कर लो, बस ये हमारी बात बन गई। अब यहां से एक बात और लिख सकते हो, एक बार फिर से इसको लिख सकते हो, देयर इज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन occurs, whatever be the intensity, intensity कुछ भी हो इससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, जब उन photons के पास इतनी energy ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से intensity change करने से थोड़ी ना हो जाएगा, मान लो 100 watt का bulb एक तुमने लिया, तो 100 watt का bulb अगर photons को नहीं निकलवा पा रहा है तो मतलब उसके अंदर जो मान लो रेड लाइट ले ली, तो रेड लाइट के अंदर की इतनी एनर्जी नहीं है फोटॉन्स में, अब तुम 200 वॉट का अगर ले लो रेड कलर का ही तो वो भी नहीं निकलवा पाएगा, क्योंकि फोटॉन्स के पास एनर्जी तो उतनी ही है, एनर्जी बढ़ाओ, कलर चेंज करो, ग्रीन ले लो तो ग्रीन में एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर निकल जाएगा, ठीक है, तो वॉट एवर बी द इंटेंसिटी देर इज नो
there is certain frequency below which no photoelectric emission occurs, whatever be the intensity. This frequency is threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, यही होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से बात यह बनी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, और किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो हम यहां पर एक लास्ट में पॉइंट और लिख देते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो लास्ट में तुमको ये एक्सपेरिमेंट का फाइनल तुमको बात बता दी जाए कि इस एक्सपेरिमेंट में सारे ऑब्जर्वेशन देख लिए गए, ये देखा गया कि लाइट जो इंसिडेंट करी जा रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है करंट डेवलप हो रहा है, जिसको फोटो करंट बोला गया, और ये फोटो करंट का वेरिएशन देखा गया विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, कि लाइट की अगर इंटेंसिटी बदली जाए तो कैसे चेंज होगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली जाए तो कैसे चेंज होगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल चेंज करा जाए तो कैसे चेंज होगा। तो ये सारे वेरिएशन हमने देखे, पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि करंट बढ़ रहा है फिर उसके बाद सेचूरेट हो जा रहा है, निगेटिव की तरफ आ रहे थे तो एक ऐसा वोल्टेज आ रहा था जहाँ पर करंट जीरो हो जा रहा था, जहाँ करंट जीरो हो जा रहा था उसी को स्टॉपिंग वोल्टेज हमने बोला। फिर हमने पढ़ा कि स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर लाइट की और मटेरियल पर, मटेरियल अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी से स्टॉपिंग वोल्टेज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी से जो चीज़ चेंज होगी वो होता है फोटो करंट, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकल कर आई जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं होगा, उसको हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला वाला पार्ट हम कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने डिस्कस कर ली। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।